हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फ्लावर पॉट। जैसे मैंने ये बनाया है, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने तरह तरह के कलर के थ्रेड से ये बनाए हैं। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। आप भी अपने घर में बना सकते हैं। बनाने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने थ्रेड लिया है और एक क्रोशिया लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फ्लावर ये बनाने के लिए हमें 50 चेन बनाने होंगे। एक हमें पहले ये एक सिंगल बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमें 50 चेन बनाने हैं। तो चलिए हम 50 चेन बना लेते हैं। 50 चेन आप रेगुलर बना लें। ये 50 चेन ये मैंने 50 चेन बना लिए हैं। और अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं। 50 चेन बनाने के बाद प्रत्येक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। जैसे एक डबल क्रोशिया उसी चेन में, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया और उसी चेन में ये तीसरी डबल क्रोशिया, मतलब एक ही चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। हर चेन में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह देखिए, हर चेन में किसी चेन को छोड़ना नहीं है, हर चेन में 3 बार डालना है। आप देख सकते हैं, देखिए ये चेन है, इसे मैंने एक बार बनाया डबल क्रोशिया और ये दूसरी टाइम भी उसी चेन में और ये तीसरी टाइम भी उसी चेन में, 3 टाइम हो जाएंगे। तो फिर उसके नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे और उसमें भी 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमें पूरे 45 चेन्स में बनाने हैं और 5 चेन्स हमें छोड़ देना है। लगातार हम इसे बनाते जाएंगे। इस तरह लगातार बनाते जाएं, हर चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया और फंदा थोड़ा इसका लंबा लंबा खींच कर ले तो ज़्यादा सुंदर ये बनेगा। जितना फंदा ज़्यादा आप लंबा लेंगे उतना ही ये सुंदर लगेगा। इस तरह हर चेन में 3 टाइम्स बनाते जाना है। इसी तरह सारे चेन्स में बनाते जाएंगे तो ये राउंड खुद ब खुद होता जाएगा। हर चेन में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। देखिए ये खुद ब खुद इस तरह राउंड होता जाएगा। इस तरह
देखिए ऐसे बनाते जाइए आप। ये इस तरह राउंड होता जाएगा, राउंड होके ये पूरे चेन में हमें ऐसे ही बनाते जाना है और लास्ट के 5 चेन हमें छोड़ देना है। वो हमें इस तरह फ्लावर में करने के लिए, इसके स्टेम के लिए हमें 5 चेन छोड़ देना है और ये ऐसे बन के आपका राउंड होता जाएगा। और राउंड होने के बाद आपका देखिए पूरा ये इस तरह, इस तरह राउंड होके आपका ऐसा बन जाएगा। और इसी तरह आप और भी अलग अलग कलर से आप ढेर सारे बना लें, जैसे मैंने ये बनाया। देखिए हर कलर से आप बना सकते हैं, आप चाहे इसमें बहुत से कलर भी लगा सकते हैं। और ये इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का आपका ये बन जाएगा। और अगर आप इसे किसी पॉट में सजाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये 5 चेन्स छोड़ दिया था, ये 5 चेन्स को हम सबको लेकर के ऐसे फिर हमें यहाँ पर गांठ लगा के बांध देना है। अब 10 या 15 इस तरह बना ले, 10 और 15, और गांठ लगा के यहाँ पर सबको बांध दे। और फिर इसे आप इस तरह करके कहीं भी पॉट में लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह ये पॉट में यूज़ किया है। ये मैंने पॉट लिया है और पॉट में आप इस तरह लगा लें और अपने घर में सजा सकते हैं ऐसे। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत आसान भी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को हमेशा देखते रहें। मैं इसी तरह के सुंदर सुंदर वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।